सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, जनरल साइंस के। तो अब है हमारा, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो याद रखें, काइटिन। काइटिन। अगला है, प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो याद रखें, लीली एसी। अगला है हमारा, हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो याद रखें, कोरोनरी धमनी। अगला है हमारा, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो याद रखिए, सेरिबेलम। अगला है, खुर नाखून सींग दांत किस प्रकार के कंगाल के उदाहरण है? तो याद रखिए, बाह्य कंगाल। अगला है हमारा, इंसुलिन का क्या कार्य है? तो याद रखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो याद रखिए, हेनरी बीकोरल। अगला है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिए, पोलोनियम। अगला है, नाभिक से निकलने वाले तीन विकिरणों में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो याद रखिए, गामा किरणों की। अगला है हमारा, ताप मानकीय अभिकीय पदार्थों की किस अवस्था में होती है? तो याद रखिए, प्लाज्मा अवस्था में। अगला है हमारा, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु उपयुक्त किया जाता है? तो याद रखिए, एसिटोबैक्टर एसिटी। अगला है, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, नीले हरे शैवाल को। अगला है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिए, ओराइजा शैटाइवा। अगला है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिए, मेंडल ने। अगला है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो याद रखिए, कंकाल तंत्र। अगला है, किस तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का, तो ताप के तारे के ताप से। अगला है, किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? तो याद रखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से। अगला है, शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, ओस्मा रेगुलेशन। अगला है हमारा, पित्तीकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? तो याद रखिए, PAM डिराक ने। अगला है हमारा, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो याद रखिए, अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला है हमारा, लाल किसके पाचन में सहायक होता है? तो याद रखिए, स्टार्च के पाचन में। अगला है हमारा, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिए, यकृत में। अगला हमारा, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की। अगला हमारा, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है? तो याद रखिए, रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना। अगला हमारा, उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो याद रखिए, हीरा। अगला, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो याद रखिए, केपलर। अगला हमारा, समान ताप पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? तो याद रखिए, हाइड्रोजन। अगला हमारा, पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं? तो याद रखिए, ऑक्सीजन। अगला हमारा, शुष्क बैटरी शेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो याद रखिए, रासायनिक। अगला हमारा, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो याद रखिए, अस्थि मज्जा। अगला हमारा, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो याद रखिए, विटामिन डी और विटामिन ए की। अगला हमारा, एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो याद रखिए, 25 सेंटीमीटर। अगला हमारा, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो याद रखिए, हैनसन ने। अगला हमारा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिए, ए फ्लेमिंग ने। अगला, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिए, 18। अगला हमारा, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो याद रखिए, 2.8 2.8। अगला हमारा, कोशिका में राइबोजोम का क्या कार्य होता है? तो याद रखिए, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना।
है स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब एचजी के कितने एमएम की बराबर होता है? तो याद रखिए 80। अगला है किस रंग के प्रकाश की किरणों में उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर गति से होता है? तो याद रखिए लाल। अगला हमारा जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो याद रखिए कारिका। अगला हमारा टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का। अगला है रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिए विटामिन डी। अगला है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए बेरी बेरी। अगला है सिरिका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का। अगला है रॉकेट की गति किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? रेखीय संवेग का संरक्षण। अगला है अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिए घट जाता है। अगला है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं? तो याद रखिए 6.25 × 10^12। अगला हमारा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिए आइसोप्रीन। अगला है भार किसका मात्रक है? तो याद रखिए वायुमंडलीय दाब का। अगला है गैलिना किसका अयस्क है? तो याद रखिए सीसा का। अगला है रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो याद रखिए रेखीय संवेग के संरक्षण पर। अगला है ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो याद रखिए कोणीय संवेग के संरक्षण पर। अगला हमारा कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए मेथिल सैलीट। अगला है शनिवार किसका प्रमुख अस्त है? तो याद रखिए पारे का। अगला हमारा कीमोथेरेपी क्या होता है? तो याद रखिए रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा। अगला हमारा यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि। अगला है किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो याद रखिए माइटोकांड्रिया। अगला है हमारा होमो सेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिए मनुष्य का। अगला हमारा हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो याद रखिए पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को। अगला है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिए विटामिन डी की कमी के कारण। अगला है हमारा ज्योति फ्लेक्स का मात्रक है? तो याद रखिए ल्यूमेन। अगला है हमारा गैस का नेतांक एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिए जूल प्रति के मोल। अगला है हमारा कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम है? तो याद रखिए फिनोल। अगला है हमारा कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो याद रखिए मैग्नीशियम का। अगला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए जड़त्व का नियम। अगला है वेलाडोना नामक औषधि एटोपा वेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो याद रखिए जड़ तथा पत्तियों से। अगला है थायमीन कौन सा विटामिन है? तो याद रखिए विटामिन B1। अगला है कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो याद रखिए आंख। अगला है प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो याद रखिए हाइपोथैलेमस। अगला है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए एनिमल चारकोल। अगला है हमारा अग्निशमन शमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे किया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो याद रखिए गंधक के अम्ल से। अगला है यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल है? तो याद रखिए चौगुना बढ़ जाएगा। अगला है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे? तो याद रखिए सोज T11। अगला है केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिए जोधपुर में। अगला है जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम है क्लोनिंग। अगला है जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो याद रखिए ATP अणुओं में। अगला है विकास के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? तो याद रखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन। अगला
अगला एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो याद रखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अगला है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। अगला हमारा रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। तो यहाँ एक और बात याद रखिए रेडियो के आविष्कारक हैं जी मार्कोनी। अगला है माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है तो याद रखिए अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। अगला है शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग को क्षति होती है? तो याद रखिए यकृत लीवर को। अगला धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफेद व चमकीले हो जाते हैं, इसका कारण है तो याद रखिए फिकास का फिकीडन। अगला है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो याद रखिए रॉबर्ट हुक ने। अगला हमारा अपसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है तो याद रखिए 20 हर्ट्ज से कम। अगला हमारा श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है तो याद रखिए रोगों से रक्षा करना। अगला हमारा रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो याद रखिए विटामिन के। अगला हमारा पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो याद रखिए 105 पास्कल। अगला हमारा साइटोकाइनेसिस में किस का विभाजन होता है? तो याद रखिए कोशिका द्रव्य का। अगला है मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है तो याद रखिए CH3OH। अगला है जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है, तो याद रखिए पूर्णता अप्रत्यास्थ। अगला हमारा किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय वैभव होता है, तो याद रखिए नियम। अगला है जब प्लस क्यू आवेश को कम वैभव वाले बिंदु से अधिक वैभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिए ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला हमारा विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश गति करता है तो याद रखिए निम्न वैभव से उच्च वैभव की ओर। अगला हमारा जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल क्यों मिलाया जाता है? तो याद रखिए जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। अगला हमारा बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? तो याद रखिए सेवर अकोट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला एंटीजन क्या होता है? तो याद रखिए एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। अगला है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिए विटामिन सी की कमी के कारण। अगला है रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो याद रखिए यूरी एज को। अगला यूनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो याद रखिए मानव के अनुवांशिक अध्ययन का। अगला है वसा का भाषण कौन सा एंजाइम करता है? तो याद रखिए लाइपेज। अगला है हमारा जीव दिव्य सिद्धांत की खोज किसने की? तो याद रखिए सोल्जर ने। अगला हमारा क्षेत्रफल की देशिक राशि अर्हशिक राशि है तो याद रखिए देशिक क्षेत्रफल दैशिक राशि है। अगला है ताप यानी कि उत्सर्जन समतुल्य क्या है? तो याद रखिए ध्रुवों के वाष्पीकरण से। अगला है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्या पंज जी तो उसकी अर्ध आयु औसत आयु क्रम करें तो 1/3 IN2 या 1 या 1/1। अगला है रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो याद रखिए विटामिन के। अगला हमारा यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो याद रखिए गुर्दा या किडनी। अगला कल्पकम किसके लिए उत्पादित रहता है? तो याद रखिए परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। अगला है पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है? तो याद रखिए हाइड्रोफोबिया। अगला है कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? तो याद रखिए जी किरणें गामा किरणें। अगला कोई व्यक्ति कार से घर निकलता है तो 30 सेकंड पश्चात वापस लौट आता है या गंतव्य तक की दूरी x हो तो उसका औसत वेग होगा 0। अगला हमारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सीज नामक पुस्तक लिखी तो याद रखिए डार्विन ने। अगला है सबसे बड़ा फूल किस पौधे का है? तो याद रखिए लिप्स रेफिलिसिया का। अगला है वर्गीकरण से संबंधित शाखा है तो याद रखिए टैक्सोनॉमी। अगला है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो याद रखिए सेकोज। अगला है क्लोरोफार्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? तो याद रखिए क्योंकि ऑक्सीजन पोकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है।
अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो याद रखिए ओर स्टेड ने, ओर स्टेड ने। अगला है, मैथिल सैली सिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑयल ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से। अगला हमारा कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो याद रखिए मैग्नीशियम का। अगला है, जल के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो याद रखिए सहयोजी बंध द्वारा। अगला है, किस माध्यम में वस्तु की चाल, ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? मैक नंबर, मैक नंबर। अगला है, विद्युत विच्छेदन में किस पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? तो याद रखिए 96,500 कूलाम, कूलम विद्युत आवेश की। अगला है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए यूरेनियम। अगला हमारा, परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस रसम स्थानिक का उपयोग होता है? तो याद रखिए Na24 का। अगला है, यदि यूरेनियम 238 विघटित होकर यूनिट प्रोटेक्टिनियम 234 बनाता है तो इसके कितने ए और बी किरणों का उत्सर्जन होता है? तो एक ए और एक बी किरण। अगला, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए मानव के उद्भव एवं विकास संबंधी विषय का। अगला हमारा, एक आंग स्टाम मात्रक किसके नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है? तो एक ए बराबर 0.1 nm। अगला है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है? तो याद रखिए वेनजीन हेक्सा क्लोराइड। अगला हमारा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। अगला है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने, किसने? एंडरसन ने। अगला है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो याद रखिए बल के। अगला है, विद्युत विच्छेदन में किस पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? याद रखिए 96,500 कूलाम। अगला है, यदि बी कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिए परमाणु क्रमांक एक से बढ़ जाता है, परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। अगला है हमारा, अस्थियों एवं कंगाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है? तो याद रखिए ऑस्टियोलॉजी। अगला है, बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? कोलोन। अगला है, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? रेनिन। अगला है, यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो याद रखिए अमोनिया यूरिया में बदलकर। अगला है, स्मरण शक्ति एक चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम। अगला है, खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, बल संवेग आवेग किसी राशि कैसी राशियां हैं? तो याद रखिए सदिश राशियां। अगला है, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिए मोसले ने। अगला हमारा, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो याद रखिए 18। अगला, किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो याद रखिए बराबर होते हैं। अगला हमारा, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो याद रखिए आयरिस इस द्वारा। अगला है, कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिए आर्थ्रोपोडा का। अगला है, कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के। अगला है हमारा, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो याद रखिए फॉस्फोरस। अगला है, प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो याद रखिए लीली एसी से। अगला है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो याद रखिए MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सोनार का। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो याद रखिए कोशिका भित्ति। अगला है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो याद रखिए वसा फैट के। अगला है हमारा, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को
गंध एक तो बनाया जाता है, तो याद रखिए थायो एल्कोहल मार्केटन।